हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कि वो कारक जिसके द्वारा मांग की जो लोच है वो प्रभावित होती है। तो बच्चों ये टॉपिक समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए यहां बता देता हूं मैं आपको, एक वर्ड आएगा लोचदार, इसको इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं, यानी ईडी मोर देन वन। ये तब होता है बच्चों जब कीमत में जब परिवर्तन होता है उसके मुकाबले मांग में जो परिवर्तन होगा वो कहीं ज्यादा होगा। और एक वर्ड होता है बेलोचदार, बेलोचदार का मतलब होता है ईडी लेस देन वन, और ये तब होता है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। बेलोचदार का मतलब मांग में ज्यादा परिवर्तन, सॉरी लोचदार का मतलब मांग में ज्यादा परिवर्तन, और बेलोचदार का मतलब है मांग में कम परिवर्तन। तो बस आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि लोचदार का मतलब है मांग में ज्यादा परिवर्तन और बेलोचदार का मतलब है मांग में कम परिवर्तन, ये आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अब ये 8 पॉइंट है जिनके बेस पर हम आपको बताएंगे कि मांग किस परिस्थिति में लोचदार होगी, किस परिस्थिति में बेलोचदार होगी। जैसे वस्तु की प्रकृति है, अब अनिवार्य वस्तु की बात करें, अनिवार्य वस्तु जैसे गेहूं, चावल, दूध, पनीर, सब्जी, इनकी कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ता इनकी मांग में बहुत ज्यादा कमी नहीं कर सकता, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, यानी कि इस तरीके की जो वस्तु होगी उसकी मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी। कैसी मांग होगी? बेलोचदार होगी। जबकि विलासिता वस्तु जैसे एसी है, कार है, या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना कह लो या कहीं घूमना कह लो, जब एक व्यक्ति की जब कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करता है, इन चीजों पर ज्यादा मांग में कमी कर सकता है। अनिवार्य वस्तु की मांग में तो वो ज्यादा कटौती नहीं कर सकता, लेकिन इन चीजों की मांग में वो ज्यादा कटौती कर सकता है, इसलिए इस स्थिति में मांग जो होती है वो लोचदार होती है। बिल्कुल दिमाग में आप ये बात फिट कर लीजिए कि भाई जब आपकी जो वस्तु है जिसके आप उपभोग को टाल ही नहीं, जिसको आप कह सकते हो कि विलासिता की वस्तु है, तो उसके उपभोग को तो आप भविष्य के लिए टाल सकते हो, ये भी हो सकता है, या आप कह सकते हो चलो कम खा लेंगे, लेकिन जो अनिवार्य है उसमें आप ज्यादा कटौती नहीं कर सकते। दूसरा, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, यानी कि वस्तु का कोई विकल्प है कि नहीं है, विकल्प है कि नहीं है, जैसे टाटा स्काई डिश टीवी, एयरटेल बिग टीवी या जियो टीवी, एयरटेल, तो अगर इसमें एक ही कीमत वगैरह बढ़ती है तो दूसरे की जो मतलब आप दूसरे पर चले जाओगे। तो अगर मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है, मान लीजिए आप यूज कर रहे हो, जैसे सपोज कीजिए मैं यूज करता हूं टाटा स्काई, ठीक है, और उसके कई सारे विकल्प हैं, अगर टाटा स्काई कीमत बढ़ा दी तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, उस टाटा स्काई को छोड़कर बाकी के सब प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। इसलिए जिन वस्तुओं की स्थानापन्न उपलब्ध होती है उसकी मांग लोचदार होती है, यानी कि ऐसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में ज्यादा परिवर्तन आएगा, जबकि जिन वस्तुओं की उपलब्ध नहीं होती उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग में कम परिवर्तन आएगा जिसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प नहीं है तो इसका मतलब कीमत बढ़ाने पर भी उपभोक्ता उसे छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, इसलिए मांग में कम परिवर्तन होगा। तीसरा है वस्तु के विभिन्न उपयोग, देखिए कई सारी वस्तु ऐसी होती है जिनका उपयोग एक होता है या एक दो होते हैं, और कई सारी ऐसी वस्तु होती है जिनके उपभोग कई सारे होते हैं, जैसे बिजली है, बिजली आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टीवी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर कीमत में वृद्धि होती है जिसके अधिक, मैंने दोनों कम लिख दिया, अधिक उपयोग होते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सभी अगर सभी में से उपभोग को काटोगे तो आपकी जो मात्रा में परिवर्तन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा, इसका मतलब जिसके अधिक उपभोग होते हैं उसकी मांग जो होगी वो लोचदार होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए सिंगल यूज़ है तो अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो भी उसका सिंगल यूज़ होगा, ठीक है, या दो यूज़ है तो उसके दो यूज़ होते रहेंगे, ज़्यादा कटौती आप कर नहीं सकते हो, इसलिए इस स्थिति में जब कम उपयोग होता है तो उसकी मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, ये आप दिमाग में रखिएगा। उपभोग का स्थगन, देखिए जिन चीजों के उपभोग को आप भविष्य के लिए टाल सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो, मूवी देखने को टाल सकते हो, या आप मकान खरीदने को टाल सकते हो, या आप विदेश घूमने को टाल सकते हो, तो उसकी मांग लोचदार होगी। लेकिन जिनको टाला नहीं जा सकता, जैसे किताबों को नहीं टाला जा सकता, पढ़ाई को नहीं टाला जा सकता, इसके अलावा आप कह सकते हो कि खाने को नहीं टाला जा सकता, तो जिनको टाला नहीं जा सकता, ठीक है, उपभोग का स्थगन संभव है तो लोचदार होगी, और संभव नहीं है तो मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी, ये आप दिमाग में रखिएगा बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि जिनको टाला नहीं जा सकता इसका मतलब अनिवार्य वस्तु, इसलिए मांग बेलोचदार ही होगी। उपभोक्ता की अगर आदत पड़ जाती है,
अगर वो हैबिचुअल हो जाता है तो इसका मतलब मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी, क्योंकि जिसको की आदत पड़ गई, मान लीजिए किसी को वाइन की आदत पड़ गई, तो वो ऊंची कीमत देके भी वाइन को खरीदेगा, क्योंकि उपभोक्ता की आदत में सुमार है। तो जिन चीज़ों के प्रति उपभोक्ता की आदत डेवलप हो जाती है उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदार हो जाती है। अगला बात करें बच्चों उपभोक्ता का आय स्तर, तो अगर बहुत अमीर व्यक्ति है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत बढ़ने पर, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है भाई। मान लीजिए अगर कार जो है 50 लाख की जगह 55 लाख की हो जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय इतनी ज्यादा है। जो निम्न और मध्यम वर्गीय आय के लोग हैं उनकी मांग जो होती है वो लोचदार होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने का असर इन व्यक्तियों पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो बहुत अमीर होते हैं उनकी मांग पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। इसके अलावा बच्चों समय तत्व की भी भूमिका होती है मांग की लोच को निर्धारित करने में। अगर मान लीजिए अल्पकाल है, देखिए अल्पकाल में ना व्यक्ति की रुचि बदलती है, ना फैशन बदलता है, ना कुछ और बदलता है, ना प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो आप कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाते हो। ठीक है, जब आप विकल्प नहीं ढूंढ पाते हो तो आपकी जो मांग होगी उसमें कम परिवर्तन आएगा, यानी कि मांग बेलोचदार हो गई। लेकिन दीर्घकाल में आप बहुत सारे विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए गेहूं की ये बात करें, अगर गेहूं जो है वो 150 रुपये किलो हो जाए तो डेफिनेटली जो और विकल्प है, चाहे चावल कह लो, चाहे दलिया कह लो, दलिया तो गेहूं से ही बनता है, या बाकी का बाजरा कह लो, या कोई और चीज़ कह लो, चने कह लो, यानी कि उपभोक्ता इन चीज़ों का उपभोग करना ज़्यादा शुरू कर देगा। हालांकि अल्पकाल में ये परिवर्तन संभव नहीं है, अल्पकाल में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन लंबे समय में क्या होगा, उपभोक्ता अपने व्यवहार को बदल देता है। ठीक है, तो दीर्घकाल में जो मांग होगी वो कैसी होगी, लोचदार होगी। इसके अलावा वस्तु पर किया गया खर्च का अनुपात, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपये है मान लीजिए, और उस पर वो केवल 2% या 1% ही खर्च करता है, मान लीजिए 500 रुपये कोई खर्च करता है और उसकी कीमत बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर कम अनुपात खर्च कर रहा है अपनी इनकम का तो जो मांग है वो बेलोचदार होगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा अनुपात वो खर्च कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो मांग में कटौती करेगा। यानी कि अगर अधिक अनुपात में खर्च कर रहा है तो मांग जो होगी बच्चों वो लोचदार होगी, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी कि बेलोचदार मांग कब होगी, बेलोचदार मांग तब होगी जब कम अनुपात में खर्च कर रहा है, और जब ज्यादा अनुपात में खर्च करेगा तो मांग जो है वो लोचदार होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।